नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बिमलेश स्टडी नंबर वन में। तो दोस्तों, आज के वीडियो में घात और घातांक का सवाल बनाना सीखेंगे दोस्तों ट्रिक से। तो वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों हमारा फर्स्ट प्रश्न है, 5/4 गुने 5/4। तो इसको दोस्तों अगर आप प्रोसेस से बनाएंगे, 5/4 को 3 बार लिखेंगे, इसको 4 बार लिखेंगे तो गुना करेंगे तो काफ़ी सारा समय लग जाएगा। तो इसको कैसे बनाएंगे दोस्तों, तो इसका ट्रिक है। तो दोस्तों देखिए, अगर आधार सेम होगा और पावर कुछ भी होगा तो इसको जोड़ देंगे। कहने का मतलब दोस्तों देखिए, अगर 1 का पावर m है और 1 का पावर n है, तो देखिए इसका आधार सेम है, दोनों a है, तो उस टाइप में क्या करेंगे दोस्तों, लिखेंगे 1 का a ही, यानी आधार जो होगा वही लिखेंगे, अब पावर को जोड़ देंगे तो पावर m+n कर देंगे। ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो उसमें भी क्या करेंगे दोस्तों, जो आधार है, आधार क्या है, 5/4 है, तो लिखेंगे दोस्तों 5/4, और पावर क्या है दोस्तों, 3 और 4 पावर है, 2 पावर है, तो दोनों पावर को दोस्तों जोड़ देंगे। देखिए बीच में गुना लेकिन होना चाहिए, ठीक है, तो 3 को 4 को जोड़ दीजिए तो 3 और 4 क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा दोस्तों। यानी इसका आंसर दोस्तों 5/4 हो जाएगा। तो इसी प्रकार से दोस्तों इस टाइप का प्रश्न को आप चुटकियों में बना सकते हैं। चलिए दोस्तों एक दो प्रश्न और करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, 2/4 भागा 2/4। तो दोस्तों इसमें देखिए भागा का चिन्ह है, इसमें गुना नहीं है, तो क्या करेंगे इसको, तो देखिए जैसे ही इस टाइप में होगा, यानी कि 1 का पावर अगर m और भागा 1 का पावर n, ये उदाहरण के रूप में समझिए दोस्तों। तो क्या करेंगे इस टाइप के सवाल को बनाने के लिए, लिखेंगे दोस्तों जो आधार होगा वही लिखेंगे, ठीक है, और पावर को दोस्तों घटा देंगे, यानी कि m-n कर देंगे। कहने का मतलब दोस्तों, इसमें आधार क्या है, 2/4 है आधार, दोनों में देखिए एक ही रंग है, समान है, लिखेंगे 2/4, ठीक है, और पावर को दोस्तों घटा देंगे, तो 1 पावर 3 है और 1 2 है, तो 3 में से 2 को घटा देंगे दोस्तों, यानी कि 3-2 लिखेंगे, तो 3-2 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो 2/4 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी कि दोस्तों 2/4 होगा तो क्या हो जाएगा, 2/4 हो जाएगा। तो दोस्तों इसका आंसर यही हो जाएगा, ठीक है। अगर दोस्तों यहाँ पे भाग होगा तो पावर को घटा देंगे, आधार खाली सेम होना चाहिए, ठीक है। चलिए दोस्तों एक और प्रश्न करते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, 25/4 गुने 25/4 देखिए दोस्तों इसमें गुना का चिन्ह है, ठीक है, तो इसमें देखिए आधार भी सेम है और बीच में गुना है, तो पावर को जोड़ देंगे, तो आधार क्या हो जाएगा दोस्तों, 25/4 है, तो लिखेंगे 25/4, ठीक है, और ये पावर जो है दोस्तों, इस दोनों पावर को जोड़ देंगे, तो 3/2 को दोस्तों अगर 4/2 के साथ जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम 2 हो जाएगा, और 3+4 7/2 हो जाएगा, यही ना हो जाएगा। तो दोस्तों 25/4 क्या हो जाएगा, 7/2 हो जाएगा, तो लिखेंगे 7/2। अब क्या करेंगे दोस्तों, देखिए ये 25/4 है, तो 25/4 को दोस्तों लिख सकते हैं 5/2, ये तो लिख सकते हैं, क्योंकि 5 का स्क्वायर 25 होता है और 2 का स्क्वायर 4 होता है, यही ना होता है, तो इसको तो दोस्तों लिख सकते हैं 5/2, क्योंकि दोस्तों इसका स्क्वायर करेंगे तो 5 25 होगा और 2 2 4 होगा, और इसका पावर क्या है दोस्तों, देखिए इसका पावर है 7/2, यही है ना। अब 2 से 2 दोस्तों कट जाएगा, ठीक है, तो क्या बच जाएगा, 5/2, और पावर में दोस्तों 7 बच जाएगा, यानी 5/2 दोस्तों पावर 7 हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। लास्ट प्रश्न दोस्तों कुछ इस प्रकार से है, 4/5 और इस सब का होल पावर 3 है, ठीक है, तो इस टाइप का प्रश्न को कैसे बनाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों आपको एक एग्जांपल सबसे पहले समझा देते हैं। देखिए अगर 1 का पावर दोस्तों देखिए m हो, ठीक है, m का मतलब दोस्तों कुछ भी हो, और इस सभी का पावर दोस्तों अगर n हो, कहने का मतलब दोस्तों पावर असमान हो, यानी कि यहाँ पे 2 यहाँ पे 4 कुछ भी हो सकता है। तो इस टाइप के सवाल को बनाने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, जो आधार है वही लिखेंगे, 1 का a ही, और पावर दोनों को क्या करेंगे, गुना कर, यानी कि दोस्तों आधार a है तो a लिखेंगे, और पावर क्या है, m और n है, तो क्या करेंगे, m गुने n कर देंगे, ठीक है, उसी प्रकार से बनाएंगे। जैसे दोस्तों देखिए इसमें 4/5 आधार है, तो लिखेंगे 4/5, और पावर दोनों पावर को गुना कर देंगे, यानी कि 2 को 3 से गुना कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, 2 3 6, यही दोस्तों हमारा आंसर हो जाए, तो यानी 4/5 हो जाएगा। तो दोस्तों इस टाइप का घात वाले प्रश्न को इसी प्रकार से आप बनाएंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, धन्यवाद।